बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हक नवाज़ है और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेलेंशिया टाउन में एक कनाल का कॉर्नर घर, जो कि वेलेंशिया के एच ब्लॉक में वाक़ है। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन में वाक़ है। इसकी एकोमोडेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो गैराज हैं, ये फ्रंट पे गैराज है। इसमें तीन गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं और एक बैक साइड पे, दूसरी साइड पे छोटा गैराज है, वहाँ पे एक छोटी गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। तो इसमें बेडरूम मैं आपको बता देता हूँ, 7 बेडरूम है, 1 गेस्ट रूम है, 8 बाथरूम है, 2 टीवी लाउंज है, 2 किचन है, नीचे वाले किचन के साथ एक डर्टी किचन भी है। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पर वाक़ है और इसमें कीमत वगैरह भी इसकी काफ़ी मुनासिब है। ये सारा कुछ जानने के लिए आप एंड तक वीडियो को देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 03014553326 है और मेरा ऑफिस DHA फेज 11 रहबर के गेट नंबर 4 के सामने वाक़ है, ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी के नाम से। तो आइए अब इस घर को हम विज़िट करते हैं और साथ साथ मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये इसका लॉन आ गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये इसमें हम एंटर हो गए हैं। ये शुरू में इसमें एक लॉबी बनी हुई है। इसके राइट साइड पे गेस्ट रूम है और लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम है, और ये सामने जो है इसकी मेन एंट्रेंस है। इसके टीवी लाउंज की तरफ ये रास्ता जाता है। तो आइए पहले ये गेस्ट रूम को देखते हैं। ये इसका गेस्ट रूम आ गया। और ये इसके साथ ही इसका बाथरूम आ गया। ये सामने हमारा टीवी लाउंज आ गया। ये काफ़ी बड़ा एरिया है इसका टीवी लाउंज का। ये सीलिंग में LED लाइट्स लगी हुई हैं। और ये सामने मॉडर्न डिज़ाइन की मीडिया वॉल आ गई है। ये सामने सीढ़ियाँ हैं, लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम है। तो आइए हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे, सिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे। ये सामने डाइनिंग टेबल भी लग सकती है। और अब हम इसके बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। ये एक लॉबी आ गई है। ये राइट साइड पे ये सामने किचन है, उसके साथ बेडरूम है, और एक बेडरूम ये इस तरफ है लेफ्ट साइड पे। तो आइए इसमें देखते हैं। ये इसका बेडरूम आ गया। ये नीचे वाला पहला बेडरूम आ गया। ये सामने अलमारियाँ हैं, और ये इसका बाथ आ गया। ये एसेसरीज इस घर में काफ़ी अच्छी लगाई गई हैं, बाथ वगैरह में। यहाँ पे सैनिटरी का काम भी काफ़ी अच्छा किया गया, टाइलें भी काफ़ी अच्छी लगाई गई हैं। ये शॉवर केबिन बनाया हुआ है। और ये इसके बाहर ये ड्रेसिंग एरिया बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ये अलमारियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये सामने मिरर भी लगा हुआ है। तो अब हम इसके दूसरे बेडरूम में चलते हैं। ये इसका दूसरा बेडरूम आ गया। दोनों बेडरूम तकरीबन एक जैसे हैं। ये सामने अलमारियां आ गई हैं, और ये इसका बाथरूम आ गया। इसमें ये टाइलें काफी अच्छी खूबसूरत लगाई गई हैं। इसमें भी ये शॉवर केबिन बनाया गया है। ये घर जो है ये तकरीबन 10 साल यूज्ड है, पुराना घर है, लेकिन इसके काफ़ी अच्छा इसको मेंटेन किया गया है। इस घर में सीपेज वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। घर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये हम लेफ्ट साइड पे इसके किचन में आ गए हैं। ये इसका किचन आ गया।
इसमें वुडवर्क काफी अच्छा किया गया है और ये इसका डर्टी किचन आ गया। अब हम इसके ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दें। ये ऊपर हम आ गए हैं सीढ़ियों पे, तो ये सामने मेन एंट्रेंस है टीवी लाउंज की और ये लेफ्ट साइड पे दो बेडरूम है। ये एक बेडरूम आ गया। इसका बाथ आ गया। ये सारे बाथ जो है इनमें एक्सेसरीज काफी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। अब हम इसके साथ ही राइट साइड पे दूसरा बेड है उसको हम चलते हैं। ये इसका दूसरा बेडरूम आ गया ऊपर वाले पोर्शन का। ये सामने इसकी अलमारियां आ गई हैं और ये इसका बाथ आ गया। इसमें टाइल वर्क काफी अच्छा किया गया, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। ये शॉवर केबिन बना हुआ है। और ये हम इसके ये तीसरे बेडरूम में आ गए। और ये इसके साथ इसका अलमारियां आ गई हैं और इसका ये दो कमरों के दरमियान में ये एक ही वॉशरूम दिया गया है, कॉमन वॉशरूम है दोनों बेडरूम्स का। ये सामने शॉवर केबिन बना हुआ है। इसमें भी टाइलें काफी अच्छे कलर की लगाई गई हैं। अब हम ये इसके साथ जो दूसरा बेड इसमें चले जाते हैं। ये टोटल चौथा बेडरूम हो गया ऊपर वाले फ्लोर का। टोटल इस घर में जो अकोमोडेशन है इसमें टोटल 8 बेडरूम है। और ये इसका किचन आ गया। इसमें भी एक्सेसरीज वगैरह काफी अच्छी लगाई गई हैं, वुडवर्क भी काफी अच्छा किया गया है। तो ये हम यहां से लेफ्ट होंगे तो हम इसके टेरेस में आ जाएंगे। इसका टेरेस आ गया फ्रंट वाली साइड पे। इस तरह एक छोटा सा टेरेस बैक वाली साइड पे भी है। इस घर की कीमत 6,50,00,000 है और अगर इस घर को आप विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरा नंबर 0301455326 है। ये इसका टीवी लाउंज आ गया है और ये सामने इसकी मीडिया वॉल आ गई है। ये फानूस काफी खूबसूरत लगाया गया। और ये इसका पांचवा बेडरूम आ गया ऊपर वाले पोर्शन का। और ये इसका बाथरूम आ गया। और ये इसके साथ ही एक ये छोटा सा स्टोर दिया गया है और ये बैक साइड वाला टेरेस आ गया।
और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही हूँ, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर भी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर 03014553326 है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।